हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डिवा कंचन। आई एम कंचन एंड आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक रिव्यू हॉल। और किस चीज़ का रिव्यू है वो बता देती हूँ। तो ये एक रफल साड़ी स्कर्ट का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं इस साड़ी का रिव्यू तो करूंगी ही, साथ में मैं इस साड़ी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल भी करके आपको बताऊंगी। एकदम ट्रेंडी साड़ी है और अच्छा क्या हो सकता है कि आप एक साड़ी को एज अ साड़ी, एज अ स्कर्ट, एज अ ड्रेस डिफरेंट डिफरेंट वेज में इसको कैरी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से कैरी करना चाहते हैं। जो ये वाली साड़ी है, बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ ये हल्दी पर्पज से बहुत अच्छी है। गाइस, ये जो साड़ी है ये इंडिया ब्रांड की है, बट मैंने इस साड़ी को मिंत्रा से परचेज किया है। बिकॉज ये साड़ी मैं काफी टाइम से जगह जगह देख रही थी, तो मैंने जब इंडिया स्टोर पे देखा था तो वहां पे ये इसके जो रेट्स हैं थोड़े अप थे, और सेम इसी साड़ी के जो रेट्स हैं वो मैंने मिंत्रा पे जब देखे थे तो वहां पे काफी ज्यादा डिफरेंस था। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, सेम इंडिया ब्रांड का ही मैंने एक क्रॉप टॉप भी परचेज किया था। ये मैंने परचेज किया था इंडिया स्टोर से ही। ये टॉप है, ये थोड़ा सा कॉस्टली आप बोल सकते हो, बट हाँ, इसकी क्वालिटी, इसका पैटर्न, डिजाइन मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मुझे तो वर्थ इट लगा। अगर गाइस आपको ये आइडियाज या जो भी लुक्स हैं या फिर जितनी भी टिप्स हैं वो आपको अगर पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी एक बार हिट कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी जो वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है वो स्कर्ट या साड़ी जिसकी मैं बात कर रही थी, रेडी टू वेयर। तो ये इस तरीके से आपको, ये देखिए यहाँ पे बेल्ट मिल जाएगी, और ये कुछ इस पे फ्लोरल प्रिंट है और 3D टाइप का इस पे प्रिंट, मतलब प्रिंट है। इसको पहनने के बाद ना 3D वाला लुक आता है, जब भी आपको भी देखेगा तो ऐसा लगेगा जो फ्लावर्स हैं वो इस पे लगे हुए हैं, काफी अच्छा लुक आता है। तो ये कुछ इस तरीके से है, एंड इसका जो दुपट्टा है वो सी में देखिए पीछे इस तरीके से अटैच है। इसमें गाइस आपको साइड में ना इस तरीके से एक जिप क्लोजर मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये जिप लगी हुई है, और ये इस तरीके से यहाँ पे एक आपको हुक मिल जाएगा और ये बंद हो जाता है। तो ये एज अ स्कर्ट पहन लेनी है, और ये इसका दुपट्टा है, इसको बस डालना है, सिंपल, दैट्स इट, हो गया, आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं। तो काफी अच्छा खासा इसका लेंथ है इस दुपट्टे की जो इसमें अटैच है, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से इसका यूज कर सकते हो। एंड ये जो शेड है येलो, कुछ लोग इसे डल कलर बोलते हैं, ये डल कलर नहीं होता है गाइस, ये इंग्लिश कलर्स होते हैं इस तरीके से, ये आप इसको इंग्लिश येलो शेड बोल सकते हो। और आजकल इस तरीके के कलर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो दोनों के ही ऊपर ही वाली स्कर्ट या साड़ी जो भी है वो बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ में इसमें काफी सारे शेड हैं, जैसे मजेंटा है, पिंक है, वाइट है, तो ये सारे ही कलर्स जो हैं इसमें। आपको ये भी नहीं है आपके पास कोई भी इसका मैचिंग का क्रॉप टॉप या ब्लाउज, आप इसके साथ में टीम अप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जाएगी। एंड मेरे पास इसकी मैचिंग का कोई ब्लाउज नहीं था, तो मैंने इस पे अपने व्हाइट कलर का एक टॉप पहना है, क्रॉप टॉप पहना है। गाइज, इसका जो मटीरियल है ना, फैब्रिक है, ये पॉली जॉर्जेट है। इस साड़ी के साथ में मैंने एक हल्दी लुक भी क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपकी खुद की हल्दी है या फिर आप किसी अपनी फ्रेंड के या सिस्टर की हल्दी सेरेमनी में ये पहनना चाहते हैं तो उसके साथ में कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक हल्दी लुक भी क्रिएट किया आप लोगों के लिए। तो चलिए हम इसका जो ट्राई ऑन है वो भी देख लेते हैं, और जो भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके साथ में लुक्स क्रिएट किए हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में मैंने स्टाइल किया है, ड्रेप किया है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। Thank you.
दिया था जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो क्रॉप टॉप है ये। ये देखिए कुछ इस तरीके से एकदम डार्क नेवी ब्लू शेड में है। इसपे ये देखिए कोल्ड शोल्डर इसका पैटर्न है एंड इसमें आपको आगे फ्रंट साइड में एंड जो इसकी स्लीव्स हैं, दोनों स्लीव्स में बोथ साइड आपको इस तरीके से सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा। एम्ब्रॉयडर्ड है, रेड कलर का थ्रेड वर्क हो रखा है बीच बीच में छोटा छोटा तो। और इसका जो नेक है वो बोर्ड नेक है, ठीक है। तो आप इस टॉप को एज अ टॉप तो पहन ही सकते हैं, एज अ क्रॉप टॉप, एंड इसको आप एज अ ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं, किसी साड़ी लहंगे किसी के साथ में भी। और जो इसका मटेरियल है ये है वेलवेट में, तो अभी विंटर्स आने वाली हैं तो उस टाइम के लिए ये वाला टॉप या फिर आप ये ब्लाउज जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड इसमें आपको साइड में इस ये देखिए साइड में यहाँ पे जिप क्लोजर मिल जाएगा, पहनने के लिए काफी इजी हो जाता है ये देखिए। तो इस तरीके से आपको ये जिप क्लोजर यहाँ पे मिल जाना है एंड बाकी फ्रंट ओपन पूरा ये क्लोज है। तो मुझे ये भी काफी अच्छा लगा और ये भी मैंने एक्सेल साइज का ही मंगाया है, बिल्कुल फिटेड आया है, बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आई है मुझे, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। तो इस ब्लाउज को मैंने इस साड़ी के साथ में भी पेयर करके दिखाया है कि अगर आप इस साड़ी को लेना चाहते हो, अगर आपके पास कोई मैचिंग का ब्लाउज नहीं है तो फिर आप ये वाला भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ में। पार्टी वेयर टॉप है ये, एकदम बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए इसका वाला जो इसके साथ में मैंने उस साड़ी को पहन के एक हल्दी लुक क्रिएट किया है वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरा सबसे ज्यादा स्टाइल कौन सा अच्छा लगा, कौन सा लुक या कौन सा जो मैंने ड्रेपिंग स्टाइल आपको बताया वो ज्यादा अच्छा लगा, जो भी है आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड गाइस आपकी कोई रिक्वेस्ट या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।